देखा है कि नहीं देखा है, वो डाउट जो आज क्लियर करेंगे वहां पर पहुंच के, तो उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते हैं और पता करते हैं वहां पर भेड़िया है या नहीं है, कि केवल के केवल अफवाह है। तो वीडियो को वॉच तक हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा जो हमारे यहाँ पे, उसके बाद में जो है दोबारा से कंटिन्यू होते हैं और फिर आपको बताते हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भेड़िया देखा गया था। नहीं देखने के लिए सुना है क्या? नहीं सुना है ना? आपने सुना है भेड़िए के बारे में? भेड़िया आता है तो गाइस, भेड़िया था तो गाइस देखिए, अब ये डाउट क्लियर है कि इस टंकी के पीछे भेड़िया को देखा था, उन्होंने लाइट मारी और लाइट मारने का, क्योंकि गांव का आदमी होता है उसका, यानी कि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनका आना जो है कॉमन है बारिश के टाइम में। तो गाइस देखिए, कुल मिला के ये क्लियर रहेगा कि अफवाह नहीं है, और रोल भी मिल जाता है इनके पास, बॉल भी, चीज बॉल भी है। और प्रिंस एक शख्स वही जो थे हमारे भाई जिनका हमने आपको दिखाया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और मजा कर रहे होंगे गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे वहाँ टाउनाल के नीचे का जो एरिया है जहाँ पर की मंडी लगती है, वहाँ पर बता रहे एक भेड़िया आया हुआ है। तो बच्चों में बहुत ज्यादा डर का माहौल बन गया है, लोगों ने बहुत बुरी तरह से डरा रखा है बच्चों को, तो बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं बच्चे। तो आज इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम जो जा रहे हैं टाउनाल के नीचे जहाँ पर की भेड़िया बताया गया, देखा है लोगों ने, बता रहे हैं कि पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, वो डाउट जो आज क्लियर करेंगे वहां पर पहुंच के, तो उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचते हैं और पता करते हैं वहां पर भेड़िया है या नहीं है, कि केवल के केवल अफवाह है। तो वीडियो को वॉच तक, लास्ट तक वॉच करते रहिए। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लेगा इस। तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं, कीप टू वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ बोलो तो उसमें। ट्रैफिक बहुत है हमारे फरुखाबाद में, ऐसे बोलो। ट्रैफिक की वजह से हम लोग बहुत जो है डिले हो गए वहाँ पहुँचने में, टामनाल, क्योंकि टामनाल से हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा जो हमारे यहाँ फरुखाबाद की तहसील है, तो उससे जो है मैं तहसील के पास से राइट है जो करबला की तरफ जाता है उधर हम लोग को मुड़ना पड़ेगा। तो भाई फाइनली हम लोग जो है टामनाल पहुंच गए, टामनाल से नीचे की तरफ चलते हैं और सीधे उस लोकेशन पे आपको मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से काफ़ी टाइम लगा हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में, और हम जो जहाँ पर पहुँच गए हैं वहाँ पर तहसील है, और तहसील से जो है थोड़ी दूरी पर वो लोकेशन है जहाँ पर कि हमारे वहाँ की फरुखाबाद की मंडी लगती है, एग्जैक्ट लोकेशन वही है। तो चलिए वहाँ सीधा पहुँचते हैं और उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू होते हैं, वीडियो को वॉच करते रहिए लास्ट तक। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए उस लोकेशन पे जहां की अफवाह उड़ी हुई थी कि बहुत सारे भेड़िया आए हुए हैं, ये वही जगह है। तो चलिए यहां के स्थानीय लोगों से पूछते हैं और देते हैं आपको यहां की जानकारी। यहां पर बहुत किचकिच है, आप देख सकते हैं कितना सारा यहां पर जो है कीचड़ है। तो पहले यहां पर कहीं पर बाइक एक साइड में लगाते हैं, उसके बाद में जो है दोबारा से कंटिन्यू होते हैं और फिर आपको बताते हैं गाइस। तो आप वीडियो को इसी तरीके इन्जॉय करते रहिए जैसे इन्जॉय कर रहे हैं, और चैनल पे अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ये कौन सा ऑटो है? यहाँ पे लगाते हैं। फाइनली हम लोग जो है एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ के बताया जा रहा था भेड़िए के बारे में। तो अभी यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से जानकारी लेते हैं जिससे कि बेहतर पता चल पाए, क्योंकि बताया तो बहुत कुछ जा रहा है, सब लोग अपनी अपनी कहते हैं। तो क्यों ना हमने सोचा इस बात को क्लियर करा जाए, इस डाउट को, कि ऐसा जैसा कि कहा जा रहा है वैसा कुछ है या केवल के केवल अफवाह है। तो चलिए यहाँ पर एक हमारे पपड़ी वाले भैया हैं, पहले इनसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो भैया हमने आपको दिखाया पापड़ी बेच रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमने तो कुछ सुना नहीं है। तो इस तरीके से लोग जो है अफवाह उड़ा देते हैं। बिल्कुल भी भैया आपको नहीं पता, ये अफवाह के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भेड़िया देखा गया था? नहीं, देखने की बात नहीं करो मैं, तो आपके सुनने में आया था कि यहाँ पर भेड़िया देखा गया है? सुनने में भी नहीं आया ब्लडर बनाया। तो बिल्कुल एकदम एक नंबर वाहियात और बेकार की अफवाह थी। तो जब जो बंदा यहाँ पर काम करने वाला है, ये दिन भर सुबह से लेकर शाम तक तो जाहिर सी बात यहाँ रहते होंगे, तो जब यहाँ एक काम करने वाला बंदा जो है सुबह से शाम तक रहता है, उसको नहीं पता ये चीज कि यहाँ पर भेड़िया आया है। तो लेकिन यहाँ पर लोग कैसी कैसी अफवाह उड़ा रहे हैं यार, देखिए। तो ये होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को थोड़ा सा इस चीज के बारे में जो है एक्सप्लोर कराया जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ की अफवाह उड़ाई गई थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पर जो है, जो पीछे का एरिया है जहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, हमें एक हाफिज जी ने भी बताया था कि कोनूर भाई वहाँ की वीडियो देखो जाकर के, कैसा कैसा लोग बता रहे हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की अफवाह उड़ा के पता नहीं लोगों को क्या मिल जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता यार। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कुछ और लोगों से नॉलेज लेते हैं, शायद कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि जो यहाँ पर के और लोग जो हैं देखते हैं कौन बता पाते हैं कौन नहीं बता पाते। वैसे इन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ऐसा हमने कुछ अफवाह के बारे में तक नहीं सुना, मतलब अफवाह की भी खबर नहीं है उन्हें। तो और लोगों से देखते हैं यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और उनसे देखते हैं पूछते हैं थोड़ा सा शायद पता हो। भैया आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, कहाँ के हैं आप? काम तो आप यहीं करते हैं ना? तो यहाँ पर भेड़िए की एक खबर उड़ी हुई है, आपने सुना उसके बारे में? कुछ सुना भी नहीं है भैया, आपने सुना है क्या? नहीं सुना है ना आपने? सुना है भेड़िए के बारे में? भैया यहाँ पर भेड़िया आया था क्या? यहाँ पर भेड़िया आया था क्या? नहीं, बंदर की तो वो चली रही है, भेड़िए की बता रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के... कौन भेड़िया आता है? तो गाइस देखिए एक शख्स ऐसे मिले जो के बता रहे हैं कि भेड़िया आता है। आप रहते हो तो आपको ये कैसे मतलब पता चला कि यहाँ भेड़िया आता है? कुत्ते भाव की गए उधर, जब वो गुर्राया लाइट जलती है पीछे। अच्छा, जब वो गुर्राया हमने देखा ये तो जानवर है कोई जंगल का, देखा उसका पतला मोटा रोशनी में भेड़िया था। भेड़िया था? तो गाइस देखिए अब ये डाउट क्लियर हुआ कि भेड़िया था, मतलब ये अफवाह नहीं है, भेड़िया था, यानी कि भैया जी की चश्मदीद गवाह। 100% गांव के रहने वाले जानते हैं भेड़िया था वो। हाँ तो आप तो एक झलक में ही पहचान लेंगे। यहाँ पर कहीं देखा गया था क्या? तो गाइस ये देखिए टैंकर जो खड़ा हुआ है इसके आगे की झाड़ियों में बता रहे देखा गया था, लेकिन किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई उसने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। और गाइस चलिए थोड़ा सा मैं आगे से आपको एक चीज एक्सप्लोर कराता हूँ। ये वही लोकेशन है जो कि हमने आपको दरगाह के बारे में बताया था, दरगाह के पीछे का एरिया गाइस। ये जो लोकेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे पीछे की, जहाँ पर भैया बता रहे हैं कि इस टंकी के पीछे भेड़िया को देखा था, उन्होंने लाइट मारी और लाइट मारने का, क्योंकि गांव का आदमी होता है उसकी नजर बहुत लेजर लाइट की तरह होती है, तो बताया उसके फेस से ही पता चल गया था कि वो भेड़िया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भेड़िया देखा गया था गाइस, ये जो हमारे पीछे आप टंकी वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पर देखा गया। और ये मैं आपको बता दूं जो नागाशावली की दरगाह है उसके जस्ट पीछे का एरिया है ये, जो मैंने आपको एक्सप्लोर करा रखा है पहले से, और जिन लोगों ने भी नागाशा वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो जरूर देखें। तो चलिए दोबारा से चलते हैं भैया के पास, कंटिन्यू होते हैं और पूछते हैं उनसे कि कैसा रहा हो, कैसे कब दिखाता उन्हें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्लीज। कितने दिन पहले की बात है ये? ये लगभग 15 दिन हो गए ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे वहाँ इसका जो है नोटिफिकेशन बहुत आ रहे हैं कि यहाँ पर भेड़िया देखा गया, तो यानी कि आप ही ने देखा था भेड़िया? जी नहीं, हर साल बाढ़ आती है जब, तो हर साल जो है यहाँ दिखाई देते हैं जानवर, दिखाई देते हैं। एक बार तो उधर से जंगली सुअर आए भागते हुए गए उधर उस साइड से। जी जी, जंगली सुअर और ये भेड़िया यहाँ आना बरसात में स्वाभाविक बात है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनका आना जो है कॉमन है बारिश के टाइम में, है ना जी? बारिश के टाइम में आना उनका कॉमन है, तो ये अफवाह नहीं है, यहाँ के लोग को जो है सावधान और सतर्क रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा तो बहुत, लेकिन आप तो गांव के हैं, थोड़ा सा बादली आपके अंदर सिंगल था, डबल अगर होता तो आक्रमण कर देता है। अच्छा, कुत्ते भी दौड़ गए यहाँ, 3-4 कुत्ते रहते हैं जी। आपका शुभ नाम क्या भैया? हमारा नाम संजीव कुमार। संजीव भैया के द्वारा ये जानकारी मिली कि वो अफवाह नहीं थी गाइस, भेड़िए को रियल में देखा था और भैया ने टॉर्च मार के खुद देखा था। तो एक्चुअली क्या भैया, हम ब्लॉगर हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो लोगों ने कमेंट किए थे हमसे कि थोड़ा सा उस एरिया को कवर करो जहाँ पर के भेड़िया देखा गया है, तो हम वही चीज़ का डाउट क्लियर करने के लिए आए थे। लेकिन हमने यहाँ के स्थानीय कुछ लोगों से पूछा, जिससे पूछ रहे हैं वो यही कह रहा है नहीं भैया ना देखा ना सुना। तो हमने सोचा कि अफवाह के बारे में सुना आपको, क्या अफवाह चल रही है? तो वो कहने लगे अफवाह के मामले में भी नहीं सुना है, मतलब बिल्कुल साफ क्लियर कर दे। आदमी जो है इस बात से मुंह कर लेता है कि ऐसा ना हमारी वीडियो बना के गलत सलत उसका इस्तेमाल। भैया हम ब्लॉगर हैं यार, कोई हम पत्रकार नहीं है, और किसी का भी कोई भी वीडियो बना के उसका दुरुपयोग भी नहीं किया जाएगा, ये भी कोई आम बात नहीं है नहीं, किसी का वीडियो बना के कोई गलत तरीके से अपलोड कर दे। तो गाइस देखिए कुल मिला के ये क्लियर रहेगा कि अफवाह नहीं है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो गाइस देखिए अपने आप से भाई ने हमारे देखा है, और एक बार नाम मैं फिर से आपका जानना चाहूंगा। संजीव कुमार। संजीव कुमार भैया बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो आप हमारा चैनल भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम सारी ब्लॉगर है यूट्यूब पे। तो गाइस दोबारा से कंटिन्यू होते हैं, भैया चैनल अपना सब्सक्राइब करवा लेते हैं, और आप लोगों ने भी अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो कीप टू वॉचिंग दिस वीडियो।
तीसरी साल है तब जंगली सुअर यहाँ चार पांच सुअर सामने वाले खेत में। अच्छा, वहाँ तंबाकू खड़ी हुई थी। गाइस, संजीव कुमार भैया ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और वैसे आपको जो है बंटी नाम से सब जानते हैं, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। इस एरिया को क्या कहते हैं, इस लोकेशन को? ये करबला रोड बोला जाता है, करबला रोड टाउन हॉल के नीचे। हाँ। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कुछ नहीं कहते हैं, जैसे धुइयों के पास वाला एरिया। गाइस, धुइयों के पास वाला एरिया कह सकते हैं, नियर धुइयों कह सकते हैं इसको। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाउन हॉल से नीचे आएंगे हम करबला की तरफ, और जैसे ही वो मोड़ है जो नागा शाह वाला मोड़ से जस्ट थोड़ा पहले का है जहाँ पर के देखा गया है भेड़िया। क्या खाना है एक बार में बताइए, समोसे खाना है या फ्रेंच फ्राई खाना है आपको? दोनों। खतरनाक आइटम है। तो गाइस, अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक भैया की शॉप पर आए हैं फ्रेंच फ्राई खाने के लिए, तो पहले फ्रेंच फ्राई खाएंगे और भैया कह रहे हैं कि नहीं और क्या चाहिए, समोसा। हाँ। अच्छा भैया, एक चीज़ बताएंगे, यहाँ पर भेड़िया आया था क्या, आपने सुना है? नहीं सुना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी जो लोगों से पूछ रहे हैं वो मना ही कर रहे हैं, तो पता नहीं कि हमारे कैमरे की वजह से लोग मना कर रहे हैं या उन्हें वाकई में नहीं देखा है भेड़िए को। भैया कोई पत्रकार नहीं है, आप घबराइए नहीं, अगर आपने सुना है या देखा है तो सही से बता दीजिए। नहीं आया ना। तो गाइस देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनसे के चार लोग हैं, चारों लोगों ने मना कर दिया है कि नहीं देखा गया है, लेकिन वो एक बंदा सिर्फ ऐसा है जिसने के देखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर एक भैया हैं जिनके मोहल्ले में, खुद बता रहे हैं हमारे मोहल्ले में जो है तीन चार लोगों ने, वो भैया खड़े हुए हैं ग्रीन कलर की टी शर्ट पहने हुए खड़े हैं उनके मोहल्ले में। भैया मोहल्ला कौन सा लगता है आपको? डुइयों मोहल्ला। तो डुइयों के पास में ही तो अभी है, तो डुइयों मोहल्ले में तीन लोगों की काट लिया बंदर ने, चार लोग पकड़ा भी गया। अच्छा, और बंदर कौन सा था? लंगूरी बंदर। तो गाइस ये बात भी देखिए बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लंगूरी बंदर जो है वो भी काट रहे हैं, तो ये भी नहीं है कि वो अफवाह है, तो वो भी अफवाह नहीं है। लंगूरी बंदर से भी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके एरिया में आसपास फरुखाबाद के आसपास जो है लंगूरी बंदर देखे जाते हो तो उनसे बिल्कुल ही ज्यादा जो है सावधान रहें, उनसे बिल्कुल भी टच ना करें, उन्हें उनसे बिल्कुल अलग रहें गाइस। और गाइस चलिए, अब हमारे फिंगर देखिए लग गए हैं, फिंगर लेने के लिए आए थे लेकिन बात जो है चल गई, तो हमने सोचा कि चलिए बता देते हैं आपको, फिंगर एंजॉय करते हैं और उसके बाद में दोबारा से कंटिन्यू होते हैं। हमें कुछ घर के लिए सौदा भी लेना है यहाँ से, तो सौदा भी ले लेते हैं, अपने जो घर बताया गया था साग सब्जी वगैरह वो भी ले लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और निखिल का पान भी खाएंगे गाइस, क्योंकि पान मैंने इसलिए नहीं खाया था, अगर मैं पान खा के यहाँ पर आता, हालांकि उसकी शॉप के सामने से निकला था, पान खा के आता तो आप लोग कहते पान खा के बहुत बड़ा आता ये। तो चलिए, ये देखिए हमारे भैया हैं, बहुत ही अच्छी सी शॉप है इनकी, और इनका जो एक एरिया मैंने आपको बताया उसी एरिया में लगाते हैं, और रोल भी मिल जाता है इनके पास, बॉल भी, चीज बॉल भी है और फ्रेंच फ्राई भी है गाइस। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं और आपको देते हैं इसका रिव्यू कैसा है। ये लीजिए तो गाइस, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ जानकारी लेने के बाद में पता ये चला कि जिससे भी पूछा उसने मनाही करा, लेकिन एक जो भाई थे हमारे जिन्होंने के बताया कि हाँ यहाँ पर जो था भेड़िया हमने देखा था रात में, वो एक तरीके के चश्मदीद गवाह थे। तो ये देखिए, यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, बहुत ही सभी कुछ आपको मिल जाता है खाने पीने में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं। भाई अभी हम जिस शॉप पे मौजूद हैं यहाँ पर भैया भी बता रहे हैं कि यहाँ नहीं देखा गया था, मतलब केवल के केवल एक शख्स वही जो थे हमारे भाई जिनका हमने आपको दिखाया, उनका कहना है कि भेड़िया देखा गया है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं यहाँ पर मिला जिसने कहा हो कि हाँ भेड़िया देखा गया, लेकिन उनकी मानना इसलिए पड़ेगी कि उन्होंने खुद देखा। वो बता रहे हैं कि बारिश के टाइम में जो है जानवर यहाँ अक्सर आ जाते हैं। तो गाइस फाइनली जो है टाइम हो गया है, 6 बजने जा रहा है 10 मिनट, यानी कि 5:50 हो गए, तो अपने आज के इस कंटेंट को, आज वाले ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो चलिए फिर अपने दोस्त को, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।